उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक गांव में एक नाबालिग लड़की दबंग की हैवानियत का शिकार होती है। मामला पंचायत में पहुंचता है तो बजाय आरोपी को सख्त सजा दिलवाने के नाबालिग के साथ हुए रेप की कीमत तय कर दी जाती है। पंचायत अपना फैसला सुनाती है कि 50,000 रुपए जुर्माना लेकर मामला खत्म कर दिया जाए। इसके साथ ही पंच पीड़िता से आरोपी को 5 चप्पल लगाकर अपना गुस्सा शांत कर लेने को कहते हैं। बताया जा रहा है कि पीड़िता ने आरोपी को ये सजा दी भी, लेकिन उसे और परिवार को लगा कि ये कोई इंसाफ नहीं है, लिहाजा अगले दिन वे पुलिस के पास पहुंच गए। आरोप है कि पुलिस ने भी सख्त कार्रवाई करने की बजाय तहरीर बदलवा कर छेड़खानी का मामूली केस दर्ज करने की कोशिश की। बाद में मामला SP तक पहुँचा, तब जाकर पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज की गयी। मामला महाराजगंज के कोठीभार थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि 23 जून की शाम 6 बजे 13 साल की पीड़िता अपने खेत पर सब्जी तोड़ने गई थी। उसी दौरान गांव का ही एक लड़का वहां पहुंच गया। उसने पहले छेड़खानी की, लड़की ने जब विरोध किया तो जबरन दुष्कर्म कर दिया। घटना के बाद वो फरार हो गया। बदहवासी की हालत में पीड़िता किसी तरह घर पहुंची और उसने अपने परिवारजनों को पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। इसके बाद परिवारजन लड़के के घर शिकायत लेकर गए, लेकिन आरोपी के घर वालों ने शिकायत सुनने की बजाय बदसलूकी करके पीड़िता के परिवारजनों को भगा दिया। तब पीड़ित परिवार ने गांव की पंचायत की शरण ली। आरोपित पक्ष ने भी मामला तूल पकड़ता देख पंचायत के जरिए इसे सुलझाने की कोशिश की। पंचायत ने पीड़िता के पिता को 24 जून को मामले में इंसाफ के लिए बुलाया। बताया जा रहा है कि पंचायत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपित पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाकर मामले को निपटा दिया। साथ ही पीड़िता से आरोपी को 5 चप्पल मारने को कहा। हालांकि इस मामले में जो सुलहनामा लिखा गया उसमें चप्पल से मारने और 50,000 रुपए जुर्माने लगाने का जिक्र कहीं नहीं है। लोगों का कहना है कि पंचायत में पीड़िता ने आरोपित को 5 चप्पल मारी भी, इसके बाद मामले को रफा दफा कर दिया गया, लेकिन इससे पीड़ित पक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। अगले दिन 25 जून को पीड़िता को लेकर उसके परिवारजन कोठीभार थाने पहुंचे। रविवार को पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि पुलिस ने तहरीर बदलवा कर दुष्कर्म की जगह छेड़खानी का केस दर्ज कर लिया। मामला SP प्रदीप गुप्ता तक पहुँचा तो उन्होंने थाने से पूरी जानकारी मंगवा कर कार्रवाई करने की बात कही। इस मामले में कोठीभार थाने के प्रभारी निरीक्षक धनवीर सिंह का कहना है कि तहरीर बदलवा कर केस दर्ज करने का आरोप बेबुनियाद है। मामला थाने में आने से पहले पंचायत होने की बात सामने आ रही है। आरोपी गांव से फरार है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर ही आरोपी के विरुद्ध छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।